नमस्कार दोस्तों, आर एस डिजाइनर स्टिचिंग में आप सभी का स्वागत है। तो आज के वीडियो में ब्लाउज का बैक नेक डिजाइन बनाना बताएंगे। तो इस तरह देखिए, हमने इसकी लंबाई ली है 14.5 इंच, शोल्डर लिया है 5.5 इंच से, 2 पॉइंट हमने ज़्यादा लिया है, गले की चौड़ाई 3 इंच लेंगे, आर्मोल भी 6 इंच लिया है, आर्मोल 6 इंच लिया है, 3 इंच गले की चौड़ाई ली है, 9 इंच इसकी ये लंबाई ली है। तो इस तरह से देखिए 9 इंच लंबाई ली है। उसके बाद इस तरह से हमें गला निकालना है। हम नीचे इस तरह से निकालेंगे। इस तरह निकालने के बाद इसे बुकरम के ऊपर निकाल लेना है। तो हमने बुकरम के ऊपर देखिए निकाल लिया। अब इसको कट कर लेना है। अब अस्तर और कपड़े पर सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरह सिलाई लगा ली है। उसके बाद जो एक्स्ट्रा कपड़ा रहेगा उसे कट करके बराबर कर लेना है। तो इस तरह कट कर लेना है। उसके बाद बराबर से देखिए मोड़ते हुए सेंटर लाइनिंग कर लेनी है इस पर। तो ये कर लिया। अब गले को लेना है, इसे कपड़े पर रखते हुए इस तरह से सिलाई डाल देना है। तो हमने सिलाई लगा लिया। इस तरह से तैयार कर लेना है। उसके बाद दोनों निशानों को मिलाकर रखेंगे। तो इस तरह से रखना है और पूरे गले पर सिलाई लगा लेना है, जहाँ से गले का निशान किया हुआ है। सिलाई लगाने के बाद इसको इस तरह से कट कर लेना है। तो ये हमने कट कर लिया। पूरे गले पर कट लगाएंगे। तो इस तरह लगा लेना है। उसके बाद पट्टी को पलटना है। तो पट्टी को देखिए इस तरह से पलट लेंगे और ऊपर से एक सिलाई गले पर लगा लेंगे। तो ये देखिए इस तरह से सिलाई लगा लेना है। उसके बाद अब ये जो यहाँ पर कट रखा है इसको निकालना है पेपर के ऊपर। बिल्कुल वहीं से देखिए इस तरह से निकाल लेना है। तो इस तरह कट कर लेंगे। उसके बाद देखिए इस तरह डोरी बना कर लेनी है और इस तरह से इस पर लगानी है। तो इसी तरह पूरे पर लगा लेंगे। और देखिए आधा इंच बाहर की तरफ बढ़ाकर रखना है, जहाँ से लाइनिंग की है, सिलाई के लिए एक्स्ट्रा
बढ़ा लेना है। उसके बाद देखिए इस तरह से पूरे पर लगा लेना है। तो ये देखिए इस तरह से लगा लिया। इसे इस पल पेपर पर लगाने के बाद अब गले पर इस तरह से लगा देना है। इसको बराबर से मिला लेंगे, उसके बाद ही सिलाई डालेंगे। इस तरह से लगा लिया है। उसके बाद अब गले पर जो डिज़ाइन रहेगी उसे बनाने के लिए हमें 3 इंच का पहले चौकोर कपड़ा कट कर लेना है। तो इस तरह कट कर लेंगे, उसके बाद इस तरह से डिज़ाइन बनाते हुए सिलाई लगा लेंगे। अब ये पूरे गले के लिए बनाना है। तो इसी तरह बना लिया है। अब देखिए इसको इस तरह से लगाएंगे, गले वाली साइड से 2 पॉइंट बाहर की तरफ से ही रखना है और एक बराबर से रखते हुए सिलाई डालना है। यहाँ तक गले पर लगाया, अब नीचे स्कर्ट पर भी लगाना है पूरे पर। तो इसी तरह देखिए इस पर लगाएंगे। अब यहाँ से जब इस वाली साइड लगाएंगे तो बंद वाली साइड नीचे की तरफ करते हुए इसकी भी लगाना है। खुली वाली साइड नीचे की तरफ करेंगे और इस तरह से पूरे पर लगा लेंगे। एक बराबर से रखते हुए लगा लेना है। तो ये देखिए इस तरह से लगा लिया है। अब इसे यहाँ से बनाना है। इस तरह से बनाते जाएंगे और यहाँ पर पकड़ कर सिलाई लगाएंगे, साथ में मोतियाँ भी लगा लेंगे। इसी तरह से हमें पूरी डिजाइनें बनाना है। तो इसी तरह से पूरा बनाकर पूरा कर लेना है। देखिए इस तरह से नीचे वाले यहाँ की डिज़ाइन भी इसी तरह से बनाना है। तो हमने बना लिया। अब देखिए इस वाले डिज़ाइन पर भी मोतियाँ लगानी हैं बीच में, बिल्कुल बीचों बीच एक एक करके हर एक डिज़ाइन के बीच में इस तरह से लगाएंगे। यहाँ तक लगा लेना है। तो ये हमने देखिए इस तरह से लगा लिया। तो ये हमारा डिजाइन इस तरह बनके तैयार हुआ। दोनों प्लेट्स इसका डाल देंगे। तो डिजाइन अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक न्यू डिजाइन के साथ। धन्यवाद।